हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिसने अकबर जैसी विशाल सेना वाले योद्धा से भी कभी हार नहीं मानी और अकबर को अपने घुटनों पर ला दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उनकी पूरी जीवनी के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जिनके नाम मात्र से अकबर कांपता था, ऐसे महान शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह तथा माता का नाम जयवंती बाई था। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह का जन्म हुआ था, उस समय उनके पिता राणा उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। जैसे ही उन्हें इस बात की खबर हुई कि उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने युद्ध में विजय हासिल की। महाराणा प्रताप मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। यह वीर पराक्रमी, देशभक्त और प्रजा के प्रिय थे। महाराणा प्रताप को बचपन से ही तलवार और ढाल की शिक्षा दी जाने लगी। इनके पिता इन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सिखाते थे और बचपन में ही इनको तलवार में निपुणता हासिल करवा दी। इसके बाद इनके पिता ने इनकी शिक्षा के लिए उन्हें गुरु राघवेंद्र के पास भेज दिया। राघवेंद्र जी ने पूर्ण रूप से सारी अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं प्रदान की और एक ऐसे कुशल योद्धा को तैयार किया जिससे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि अकबर खुद भी महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं आता था उनके युद्ध कौशल की वजह से। बचपन से ही महाराणा प्रताप बुद्धि से इतने तेज और अस्त्र शस्त्र की कलाओं में निपुणता हासिल कर ली और वह प्रजा के इतने प्रिय राजकुमार बने कि सभी लोग उनको राजा के रूप में देखने लगे। धीरे धीरे महाराणा प्रताप बड़े होते गए। इसी बीच अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सभी खास मित्र और सामंत जैसे जयमाल पत्ता कला ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह विनाशकारी युद्ध में राजपूतों ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अकबर की सेना में हड़कंप मचा दिया था। अकबर ने भी इस युद्ध में कुछ ऐसे दृश्य देखे जैसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। इसी वजह से अकबर ने जयमाल और पत्ता की प्रतिमा अपने आगरा के दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगवाई और वहां से महाराणा प्रताप और उनके परिवार वालों को मेवाड़ छोड़ना पड़ा और वे उदयपुर की तरफ चले गए। वहां पर उन्होंने उदयपुर में एक नए किले का निर्माण किया और वहां पर अपना जीवन यापन करने लगे। इसी बीच राणा उदय सिंह की तबीयत काफी खराब होने लगी और उस वजह से उनका देहांत हो गया। यहाँ पर राणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी रानी भटियाड़ी ने षड्यंत्र करके अपने पुत्र जयमाल को राजा घोषित कर दिया और महाराणा प्रताप को जंगलों में निर्वाचित होने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद जब महाराणा प्रताप को यह सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने फिर से उदयपुर पर आक्रमण करके जगमाल को गद्दी से उतार दिया, क्योंकि जगमाल जनता के प्रति काफी क्रोधित था और वह जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उस मुगल से भी हाथ मिला लिया था जिससे आज तक उनके वंश की लड़ाई थी। इस कारण महाराणा प्रताप ने कुछ खास सामंतों ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए कहा कि प्रजा के हित में आप राणा जगमाल को वहां से हटा दें। इस तरीके से महाराणा प्रताप ने उदयपुर पर वापस विजय प्राप्त कर ली और वहां पर रहते हुए मुगल अकबर के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। इसी बीच हल्दीघाटी के युद्ध का बिगुल बज उठा और हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने देश प्रेम और अपनी प्रजा के लिए सदैव अकबर से लोहा लेते रहे। अकबर भी महाराणा प्रताप के नाम से तक डरता था और अकबर इसी वजह से कभी राणा प्रताप के सामने नहीं आया। वह सामने आने वाले युद्ध में राणा प्रताप के सामने कभी नहीं आया, उसकी जगह वह अपने सेनापति को युद्ध के लिए भेज देता था। अंत में समय 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की दिल में घाव होने की वजह से देहांत तो हो गया, परंतु महाराणा प्रताप ने लोगों के दिलों में इस तरह से छापा छोड़ी कि वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और वह इस धारा के कण कण में उनका वास है। तो दोस्तों, आपको महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी के युद्ध की कहानी अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।